नमस्कार आदाब, मैं हूं रोहित सिंह और खबरों के जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जंगल राज के साथी को भारत माता और जय श्री राम से दिक्कत, सहरसा में गरजे पीएम मोदी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज यानी मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई। तीसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे चरण के लिए अररिया के बाद सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने राजद पर जमकर हमला बोला और विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना चाहिए जो सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छठी मैया का जिक्र भी किया। अगले 1 जनवरी से ISI मार्क वाले ही बनेंगे खिलौने, निर्माताओं में बेचैनी। जी हां, बच्चे सुरक्षित खिलौने से खेल सके इसके लिए अगले 1 जनवरी से देश में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के ISI मार्क वाले खिलौने ही बनेंगे और बेचे जाएंगे। ऐसे खिलौनों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश से खिलौना निर्माताओं में बेचैनी है। इनका कहना है कि BIS प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान नहीं है। कोविड काल में उधार पर चल रही 46% भारतीयों की जिंदगी या फिर उनका परिवार। नोवेल कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में COVID-19 महामारी से संघर्ष जारी है। कोविड काल में लोगों को अपना घर चलाने के लिए उधार लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसका खुलासा होम क्रेडिट इंडिया रिसर्च ने किया। प्रत्येक 4 में से 1 शख्स ने अपने मित्रों या परिजनों से धनराशि उधार ली ताकि उनके परिवार की रोजाना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। 2020 में 14% लोगों की नौकरी चली गई, 46% लोगों ने अपनी आवश्यकता जरूरतों के लिए उधार लिया, वहीं 27% लोगों को अपना EMI चुकाना अभी बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन, कब आएगा फैसला? अमेरिका में मंगलवार 3 नवंबर को मतदान ये तो तय कर देंगे कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप टिकेंगे या नहीं, लेकिन इसका नतीजा कब आएगा ये जानना भी दिलचस्प है। अमेरिका में जब मतदान अपने परवान पर होगा उस वक्त भारत में रात हो चुकी होगी। भारत और अमेरिका के समय में लगभग 12 घंटे का अंतर है और इसलिए अमेरिका में जब सुबह मतदान शुरू होगा तो भारत में मंगलवार को शाम हो रही होगी। ऐसे में भारत के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में जब मतदान खत्म होगा तब तक भारत में बुधवार हो जाएगा। आमतौर पर अमेरिका में मतदान वाली रात को ही तस्वीर साफ हो जाती है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार वहाँ बहुत सारे मतदाताओं ने पहले ही मतदान कर दिया जिससे मतगणना में देर हो सकती है। कुछ देशों में अब तक भारतीयों के प्रवेश पर रोक नहीं हटाई गई है, ऐसा कहना है पुरी का। जी हां, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि कुछ देशों ने अब तक भारतीयों के प्रवेश पर लगी पाबंदी नहीं हटाई है और केंद्र सरकार इन देशों द्वारा रोक हटाए जाने की उड़ानों के शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ऐसे ही देशों में सऊदी अरब भी शामिल है जिसने कोरोना वायरस की महामारी के चलते विमानन कंपनियों को भारत से यात्रियों को लाने की अनुमति नहीं दी है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। देश दुनिया की अन्य दूसरी खबरों के लिए बने रहे TRIPLE.COM पर। धन्यवाद।